3 दिसंबर 2021 का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड रहने वाला है धमाकेदार, क्योंकि यहां पे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर अपनी सस्पेंशन के बाद रिटर्न करेंगे। क्या होगा रोमन रिंग्स का इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे और कौन से मैचेस देखने को मिलेंगे, करेंगे दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। दोस्तों ये फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि पिछले हफ्ते टोनी स्टॉर्म ने शॉर्लेट फ्लेयर से स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच मांगा और शॉर्लेट फ्लेयर ने टोनी स्टॉर्म के मुंह पे केक मल दिया था और कहा कि टोनी स्टॉर्म ने अभी ऐसा कुछ करा ही नहीं कि उसे स्मैकडाउन का वुमेन्स चैंपियनशिप मैच दिया जाए। टोनी स्टॉर्म हमें इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे शॉर्लेट फ्लेयर से बदला लेती हुई दिखेंगी। इन दोनों के बीच में हमें ब्रॉल देखने को मिलेगा और टोनी स्टॉर्म शॉर्लेट फ्लेयर से बदला लेने के बाद WWE डे वन पे-पर-व्यू पे शॉर्लेट फ्लेयर को इस चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हुए नजर आएंगी। दोस्तों पिछले हफ्ते हमें साशा बैंक्स और नायोमी, शेना बेसलर और नटालिया को एक टैग टीम मैच में हराती हुई दिखी थी। इस हफ्ते हमें शेना बेसलर और साशा बैंक्स के बीच में एक सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा, जहां पे हमें फिर से नायोमी साशा बैंक्स की मदद करती हुई दिखेंगी। दोस्तों ड्रू मैकइंटायर हमें इस हफ्ते हैप्पी कॉर्बिन के खिलाफ एक सिंगल्स मैच खेलते हुए नजर आएंगे। हैप्पी कॉर्बिन के इस मैच में हमें मैट कैप मॉस उनकी मदद करते हुए दिखेंगे, पर हमारे असली तलवारबाज ड्रू मैकइंटायर हैप्पी कॉर्बिन को हरा के इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे भी एक मैच जीत जाएंगे। हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन शिंसुके नाकामुरा हम्बर्टो कैलरियो के खिलाफ एक मैच खेलेंगे, जहां मुझे यही उम्मीद है कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन नाकामुरा हम्बर्टो कैलरियो को इस मैच में हरा देंगे। दोस्तों हमें पिछले हफ्ते रिज हॉलैंड की डेब्यू होती हुई दिखी थी, पर अपने ही डेब्यू मैच में सिजारो के खिलाफ हार गए, जबकि उनके गुरु शेमस रिंग साइड मौजूद थे। हमें रिज हॉलैंड वर्सेस सिजारो के बीच में एक रीमैच देखने को मिल सकता है और फिर से सिजारो रिज हॉलैंड को हरा के शेमस को मॉक करते हुए नजर आएंगे इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे। यानी कि रिज हॉलैंड तो सिर्फ मुर्गा है, असली मैच तो सिजारो वर्सेस शेमस के बीच में होगा। दोस्तों पिछले हफ्ते हमने यूनिवर्सल चैंपियनशिप के नंबर वन कंटेंडर बैटल रॉयल में सैमी ज़ेन जीतते हुए दिखे थे, पर सबको यही लगा था कि इस मैच को जेफ हार्डी ने जीता था। हमें जेफ हार्डी और सैमी ज़ेन के बीच में यूनिवर्सल चैंपियनशिप का नंबर वन कंटेंडर का रीमैच होता हुआ दिखेगा, जिस मैच में हमें जेफ हार्डी सैमी ज़ेन को हराते हुए दिखेंगे और जेफ हार्डी रोमन रिंग्स की यूनिवर्सल चैंपियनशिप के नंबर वन कंटेंडर बनते हुए दिखेंगे। पर दोस्तों ये फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पूरी ब्रॉक लेसनर के इर्द गिर्द ही घूमेगी कि ब्रॉक लेसनर की रिटर्न कब होगी और रोमन रिंग्स के साथ ब्रॉक लेसनर क्या करेंगे। दोस्तों ब्रॉक लेसनर और रोमन रिंग्स के बीच में हमें इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे टकराव जरूर देखने को मिलेगा। रोमन रिंग्स हमें जरूर ब्रॉक लेसनर से भागते हुए नजर आएंगे और हमें ब्रॉक लेसनर द उसोस की और पहले रोमन रिंग्स की भी पिटाई करते हुए दिख सकते हैं। पर WWE अगर कुछ अलग तरीके से फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को बिल्ड करे कि रोमन रिंग्स और द उसोस ब्रॉक लेसनर के रिटर्न पे एक जाल बिछा के रखें और ब्रॉक लेसनर को उसमें फंसा के ब्रॉक लेसनर की पिटाई करें, तो रोमन रिंग्स और ब्रॉक लेसनर का फ्यूड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे रोमन रेंज की पिटाई होगी या ब्रॉक लेसनर की, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।